हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 118 में आपका स्वागत है। आज का सवाल हमारा मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड है। चलते हैं आज के सवाल की ओर। जो लोग मेरे बारे में चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSA अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। देखो आज का सवाल क्या है। आज का सवाल शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस सवाल को मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो हमारा बेसिक फंडामेंटल अप्रोच, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको सवाल को डील करने के लिए, ठीक है। दूसरा हम लोग इसका शॉर्ट अप्रोच भी देखेंगे और उसमें कुछ हम लोग बेसिक कंपोनेंट्स हम लोग वहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, कि एक वे यूज़ कर लेंगे कि वो हर जगह वो सेटिस्फाइड रहेगा, ठीक है। तो देखो सवाल में क्या है हमारा, क्या बोल रहा है। टू कंटेनर एक्स एंड वाई कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड अल्कोहल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दो कंटेनर है जिसमें वाटर अल्कोहल तो है, लेकिन कंटेनर एक्स का वाटर जो है कंटेनर वाई के अल्कोहल के बराबर है। सबसे पहले मैं यहाँ से अभी बेसिक समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वाटर अगर हमारा एक्स होगा और अल्कोहल हमारा जीरो, क्योंकि अल्कोहल की कोई चर्चा नहीं है, यहाँ पे वाटर जीरो होगा और अल्कोहल जो है ये वाटर के बराबर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 5 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम एक्स, 5 लीटर पानी बाहर निकाल दिया जाता है एंड पोर्ड इनटू वाई। तो यहाँ से जब 5 लीटर निकालेंगे तो यहाँ तो 5 लीटर पानी कम हो जाएगा, अल्कोहल जीरो का जीरो ही, यहाँ पे क्या होगा 5 लीटर पानी चला जाएगा, ठीक है। 5 लीटर वाटर जब यहाँ पे चला गया हमारा, उसमें से निकाल के आप जब डाला इसमें 5 लीटर वाटर, और यहाँ से हमारा अल्कोहल कितना हो गया एक्स का एक्स, यानी कि जो रेशियो आ गई वो रेशियो कितनी हो गई, 5 रेशियो कितना हमारा एक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हमारा सवाल में, फ्रॉम द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन वाई, वाई के रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 5 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, ठीक है, 5 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल दिया। तो 5 लीटर वाई से जब बाहर निकलेगा तो वो किस रेशियो में निकलेगा, 5 रेशियो एक्स में ही। अब सवाल पढ़ लेते हैं, इस टाइप के सवाल को बनाने से पहले ना सवाल को पढ़ लो कि रिलेशन किस में दिए हुए, ठीक है, हम बस उसी को सॉल्व करेंगे। एंड पोर्ड इंटू एक्स, अब किस में भर देता है एक्स में। नाउ इफ द क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन बोथ कंटेनर इज सेम आफ्टर द टू ट्रांसफर, इस दो ट्रांसफर के बाद वाटर इसमें भी और इसमें भी बराबर हो जाते हैं, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन कंटेनर वाई इनिशियली। कंटेनर वाई में इनिशियली कितना अल्कोहल था, यानी कि एक्स कितना था, इस एक्स के वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ वाटर से, ठीक है। तो यहाँ से हमें वाटर निकाल के क्या करना है, इसमें डालना है। तो 5 जब निकलेगा 5 रेशियो एक्स में, यानी कि वाटर हमारा 5 वाला टर्म है, यानी वाटर हमारा निकलेगा कितना, 5 का 5/5+x, ठीक है। यहाँ से टोटल हमारा कितना था, 5 था, और उसी का निकलेगा क्या, 5/5+x, ठीक है, यानी 25/5+। अब ये आ के ऐड किस में होगा, x में ऐड होगा, यानी अब यहाँ पे हमारा वाटर जो हो गया x-5 प्लस में 25/5 क्या, x+5 बोलो या 5+x, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब वाटर आपने यहाँ पे इतना ऐड किया तो इतनी यहाँ की कमी हो जाएगी, यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा 5-25/x+5, ठीक है। अब ये दो ट्रांसफर के बाद क्या बोला है, यहाँ का वाटर और यहाँ का टोटल वाटर आपस में क्या है, बराबर है। तो जस्ट मुझे यहाँ पे बराबर कर देना है x-5, ठीक है, इन्हीं दोनों को जस्ट मुझे क्या करना है, बराबर कर देना है। तो ये 25 वाला टर्म जो है मैं उधर भेज देता हूँ, तो और ये 5 वाला टर्म को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, x-5 है, ये 5 वाला टर्म को अगर हम लोग इधर ले आते हैं, -5 हम लोग यहाँ पे कर देते हैं और ये दोनों को उधर भेज देते हैं, तो ये हमें क्या देगा, यहाँ से -50/ कितना x+5, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर से ऐड हो जाएगा वो वहाँ पे। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, x- में कितना 10 इज इक्वल टू हमारा क्या दे रहा है यहाँ पे, -50/ क्या x+5, ठीक है। अब इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ले जाके सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू जो है, और क्वाड्रेटिक भी बहुत आसान है, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसे एक बार, क्वाड्रेटिक भी बहुत आसान है, आप सॉल्व करोगे इसे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 5 आएगी, और यही हमारा आंसर है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5 लीटर, ठीक है। आप सेटिस्फाई भी करा सकते हो, 5 रख के देख लो, 5 से 10 में जाएगा तो यानी कि -5 होगा, यहाँ से 5, 5, 10, 10 से कट जाएगा 50, यानी कि -5, यानी कि 5 मेरा सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब देखो इसका बेस्ट अप्रोच क्या है हम लोगों का, शॉर्ट अप्रोच क्या है हम लोगों का, कि शॉर्ट अप्रोच में हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे अल्कोहल है, कोई भी एक वैल्यू सजेस्ट कर लो, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू सजेस्ट कर लो। जैसे यहाँ से मैं स्टार्टिंग करता हूँ 5 से, तो आसान नंबर क्या है हमारा, घटाना जिसमें आसान हो, 5 का मल्टीपल वाला ही पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि हर बार मुझे क्या करना है, 5 निकालना है, 5 डालना है, 5 निकालना है, 5 डालना है, ठीक है। 5 अगर वाटर ले लिया तो यहाँ पे अल्कोहल कितना हो गया, 0, ठीक है,
वाटर अगर यहाँ पे फिर जीरो ले लिया तो अल्कोहल कितना हो गया यहाँ पे 5, क्यों? क्योंकि हमें बोला था कंडीशन क्या, एक्स का वाटर जो है वाई के अल्कोहल के बराबर है, ठीक है, 5-5 ले लिया मैंने। अब क्या बोल रहा है, 5 लीटर पानी जब मैंने बाहर निकाला तो 5 लीटर जब पानी निकाला यहाँ पे जीरो वाटर हो गया, यहाँ पे भी जीरो वाटर हो गया, और 5 लीटर पानी किस में आ गया, इसमें आ गया, और यहाँ पे पानी आ गया किसमें, और यहाँ पे रेशियो जो आएगा वो वाटर अल्कोहल का कितना आ जाएगा, 1:1, ठीक है। अब फिर बोल रहा है 5 लीटर ऑफ वाई इज टेकन, तो 5 लीटर जो निकलेगा 1:1 में, यानी कि 2.5 लीटर एंड 2.5 लीटर में निकलेगा, कितने लीटर में निकलेंगे, 2.5 एंड 2.5 में। अब क्या बोल रहा है, हमें ध्यान किस पे देना है, सिर्फ वाटर पे ध्यान देना है, ठीक है। वाटर पे जब ध्यान देंगे हम लोग तो 2.5 जब इसमें आएगा तो यहाँ पे ये 2.5 आ गया, अल्कोहल भी चलो लिख देते हैं, अल्कोहल भी 2.5 आएगा। अब यहाँ से जो कमी होगी वो कमी कितने की होगी, 2.5 की कमी होगी, 5 में 2.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2.5, एंड फिर 5 में 2.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2.5। अब देख रहे हो आप सवाल में कि हमें क्या बोला था कि नाउ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोथ कंटेनर इज सेम आफ्टर द टू ट्रांसफर, दोनों ट्रांसफर के बाद वाटर जो है दोनों में क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया। तो वाटर देखो यहाँ पे संजोग से हमारा 2.5 इक्वल हो गया, इसलिए हमारा हम बोल सकते हैं आसानी से कि स्टार्टिंग में अल्कोहल कितना था, 5 लीटर था। लेकिन हमें ये देखना हो क्या ये हर नंबर पे ऐसे ही इक्वल देगा, चलो एक और मल्टीपल लेके देख लेते हैं, ठीक है। एक और मल्टीपल कौन सा ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, वाटर अल्कोहल, ठीक है, वाटर एंड अल्कोहल, एक्स में वाई में 10 लेके देखते हैं। वाटर यहाँ पे 10, अल्कोहल 0, वाटर फिर 0, यहाँ पे अल्कोहल कितना 10, ठीक है। 5 लीटर जब वाटर निकाल के डाल रहे हैं तो यहाँ पे तो 5 लीटर वाटर हो जाएगा, अल्कोहल 10, यानी कि रेशियो क्या आ गया, 1:2, ठीक है। यहाँ से 5 लीटर वाटर चला गया यानी कि 5 बच गया, अल्कोहल 0 का 0, ठीक है, एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि वाई से अब हमको डालना है एक्स में, यानी कि फिर 5 लीटर जो निकलेगा वो इसी रेशियो में निकलेगा, हमें वाटर पे ही ध्यान देना है, यानी कि 5 रेशियो जब निकलेगा तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 5 × 1/3 वाटर निकलेगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा, 5 × 2/3 अल्कोहल निकलेगा, ठीक है। निकल के किस में ऐड होगा, एक्स वाले टर्म में, तो यहाँ एक्स वाले टर्म में वाटर ऐड कर देते हैं, 5+ में क्या हो जाएगा, 5/3 वाटर, अल्कोहल कितना हो जाएगा, 5 × 2/3। अब यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइनस, 5 माइनस में कितना, 5/3, ठीक है। और यहाँ 10 में माइनस करना है हमें, 10 माइनस में कितना, 5 2 जैसे डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, 10/ में कितना, 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे अल्कोहल से कोई मतलब नहीं, मतलब मुझे क्या है, वाटर से है। क्या ये बराबर हो रहे हैं, साफ साफ आपको दिख भी रहा है बराबर नहीं हो रहा है, ऐसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 5 3 हमारा 15 और प्लस में 2 है, 5 है, यानी कि 20/3 देगा इसे सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और इसे सॉल्व करूंगा तो 5 3 15 में चला जाएगा, ये 10/3 देगा, ये तो बराबर हुआ ही नहीं, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे फेल हो गया। नहीं सर, ये फेल नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझनी होगी, ठीक है, चीज़ों को समझना होगा। आप ये फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से, बड़े वाले को क्या करना है, छोटे वाले से रिलेट कर दो, यानी कि क्या करना है, 20/3 था तो आया हमारा कितना, 10/3, ठीक है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/3 × 3/20, ठीक है। यहाँ से 3 3 खत्म हो जाएगा, 0 0 भी खत्म हो जाएगा, यानी बचा कितना हमारा, 1/2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, मैंने स्टार्टिंग में माना कितना था, 10 माना था ना, यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 को, ठीक है, 2 से काट देना इसे 5 बार में, यानी कि देखो यहाँ से भी हमारा 10 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 5 लीटर, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 5 लीटर, ठीक है। आप चाहे जो भी नंबर ले लो, आप इस तरीके से रिलेट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चीज़ों को ध्यान में क्या रखना है आपको, कि जो बड़ी वाली वैल्यू है उसे हमें छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। क्यों छोटी वाली वैल्यू के साथ रिलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल जो रेशियो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं वो इस तरीके से यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। मेन काम जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं दोनों रेशियो पे वर्क, वो यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए हमें रिलेट किससे करना है, यहाँ पे इससे रिलेट करना है, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल हो जाती है। तो यहाँ पे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इस तरीके से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले लो आप यहाँ पे काम कर जाएगा। आप चाहे तो 20 लेके एक चेक कर लो, 20 पे भी हमारा यही सेम चीज़ आ रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है इन चीज़ों में, बस यही है, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।